कार्यपत्रक 61। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने -438 से किसको हम डिवाइड करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो हम -438 को -438 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 को डिवाइड करना है, 15 आना चाहिए, तो 5 त्रिका 15 और इसमें माइनस नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे -15। बार छी की 72 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 72 प्लस का आएगा। ए को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करना है हमको, तो -107 को भाग देना है 107 में, डिवाइड करना है, तो 107 एकम 107 एक आएगा और माइनस की संख्या एक बार है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करना है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, -1, कितना आएगा, -1। भाग का निशान है तो हम भाग का निशान बना देते हैं यहाँ पर, इधर है माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, -1। भाग करना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 एकम 1, क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा, +1 आएगा। नेक्स्ट 36 में 9 से भाग देना है, तो 9 का पाड़ा बोलेंगे, 9 चौक 36, 4 बार आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट 4 त्रिका 12, 12 पंजे 60, तो 60 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है, बट प्लस का 60 होगा इसका आंसर। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमेयता का नियम संतुष्ट होता है, हाँ, तो पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमेयता का नियम क्या होता है, संतुष्ट होता है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, हाँ, शून्य किसी भी संख्या में जोड़िए, शून्य ही प्राप्त होता है। -1 को 23 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है, माइनस प्लस का 23 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्या के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, तो गुणात्मक तत्समक 0 नहीं है पूर्ण संख्या के लिए, क्योंकि गुणात्मक तत्समक जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री ऊपर था, 12 बजे क्या था, 0 से 5 डिग्री ऊपर था, मतलब +5 डिग्री सेल्सियस है। यदि आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता तो आधी रात का तापमान क्या होगा, यह आधी रात तक 2 डिग्री से कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो आधी रात को तापमान, तो अब इसका करेंगे, दो दो हमको कम करते जाना है, सिंपली हम 12 जैसे दो, आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे 2 कम हो रहा है, तो 5 में से 2 कम करेंगे, 3, 1 बजे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 बजे क्या हो जाएगा, 1, फिर उसके बाद 2 2 कम कर लीजिए, फिर आ जाएगा -1, ऐसे, तो हमारा जो है कितना हो जाएगा, 1 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बजे कितना हो गया, 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 हमको कम करना है इसमें से, -5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमको कम करना है, 24 डिग्री हमको कम करना है, तो 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 24 गया तो 19, क्या होगा, -19 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऐसे पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका योग -6 हो, योग होना चाहिए -6, तो मैं -3 प्लस -3 करूंगी तो क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, -6, अंतर -15 हो, तो -20 में से यदि मैं कम करती हूँ क्या, -5 अंतर करना है, तो ये आपका आएगा -15। अंतर 4 हो तो 8 में से हम 4 कर लेंगे, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। योग 0 हो तो -1 और +1 का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा।